जयपुर से अहम खबर है। रामबाग सर्किल स्थित सुबोध स्कूल में अभिभावकों का हंगामा हुआ। फीस को लेकर अभिभावकों ने यहां पर हंगामा किया है। स्कूल प्रशासन ने फीस नहीं देने वाले बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया। बड़ी संख्या में स्कूल में अभिभावक जमा हुए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। तो अहम खबर है जयपुर से, जहां रामबाग सर्किल स्थित सुबोध स्कूल में अभिभावकों का हंगामा देखने को मिला है। फीस को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने फीस नहीं देने वाले बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया, जिसके बाद नाराजगी अभिभावकों ने जताई। मौके पर पहुंचे सभी अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल में एकत्रित हुए। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची है। मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, समझाइश के प्रयास जारी है। लेकिन अभिभावकों की नाराजगी इसी बात को लेकर कि फीस नहीं ली, तो उस पर आप अभिभावकों से कह सकते थे, लेकिन बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना कहां तक उचित था। इसी को लेकर हंगामा लगातार जारी है सुबोध स्कूल में। स्कूल प्रशासन ने फीस नहीं देने वाले बच्चों को लाइब्रेरी में बंद किया, जिसके बाद जानकारी जैसे अभिभावकों को मिली, अभिभावक स्कूल पहुंचे, एकत्रित हुए बड़ी संख्या में अभिभावक और यहां पर हंगामा किया। हालांकि लगातार कोशिश जारी है यहां पर समझाइश को लेकर। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। जयपुर के रामबाग सर्किल पर स्थित है सुबोध स्कूल, जहां आज हंगामा देखने को मिला। फीस को लेकर अभिभावकों ने हंगामा किया और वजह यही कि स्कूल प्रशासन ने फीस नहीं देने वाले बच्चों को लाइब्रेरी में बंद कर दिया। बड़ी संख्या में स्कूल में अभिभावक जमा हो गए, जैसे अभिभावकों को इसे लेकर जानकारी मिली और यहां पहुंचने के साथ ही हंगामे का दौर शुरू हो गया। हालांकि कोशिश लगातार जारी है कि समझाइश की जा सके, मामले को शांत किया जा सके, क्योंकि सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है।